मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और शुक्राना गुरुजी, तो यहाँ बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मेरी हो गई है मॉर्निंग। बात रहे हैं यहाँ, मीट आ गई है, वो कर रही है अपना काम और बाकी मासी और बेटा दोनों सो रहे हैं। मैं उठ गई थी थोड़ा सा जल्दी तो नहीं, मतलब हाँ, लेकिन 8 बजे। और दिखाती हूँ आपको मॉर्निंग वेदर। तो गाइस, सुबह निकल रही है काफ़ी तेज़, और आप देख सकते हो। और ये इतने अच्छे अच्छे प्लांट्स कल दीदी ने लगवाए थे गार्डनर से, और यहाँ हो रही है इतनी तेज की धूप की पूछो। तो गाइस, बारिश का आज भी कोई सीन नहीं है यहाँ पे, धूप बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि सफोकेशन और इम्यूनिटी यहाँ पे इतनी नहीं है, बट हाँ गर्मी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट हाँ है अभी के लिए, क्योंकि दो दिन से या 3 दिन से शायद यहाँ पे बारिश नहीं हुई। कल मौसम था पर बारिश हुई नहीं, और अभी बहुत ज़ोरों से तेज से अच्छी खासी धूप निकली हुई है। और जो दीदी की बेटी है वो चली गई है सुबह स्कूल, मेट कर रही है काम और दीदी सो रही हैं। तो यहाँ मैं उठ चुकी हूँ सुबह, तो गए रात हम गए थे शॉपिंग करने जूडियो, जहाँ पे था काफ़ी रश। और जूडियो में सेकंड बार गई हूँ, एक बार मैं गाज़ियाबाद गई हूँ और एक बार मैं कल गई हूँ। तो जो गाज़ियाबाद वाला एक्सपीरियंस रहा वो मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, बट जो मैं कल जूडियो गई हूँ वो जूडियो अच्छा जूडियो है। और वहाँ पे जो बच्चों के कपड़े अच्छे थे, ऑब्वियसली रीजनेबल रेट में थे, आपको शायद 150 की टी शर्ट्स थी और फ्रॉक्स थे बच्चों, मतलब जो बच्चों के कपड़े थे वो अच्छे प्राइस में थे वहाँ पे। और आपको जो टॉप टी शर्ट्स कोट सेट्स वगैरह 1000 रुपीज़ की रेंज में थे, शायद 500 का लोअर था और 500 का अपर था, तो उस हिसाब से अच्छा था, कॉस्मेटिक अच्छा था। तो मैं क्या लाई हूँ मैं आपको अभी दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। दी का आपको पता है उनका है सलून, तो उन्होंने तो लिया था बहुत सारा सामान, बट मैंने लिया ये छोटा सा एक वाइप्स फेस के लिए, जो हमेशा मेरे पर्स में ज़रूर होते हैं, बट ये मुझे छोटा सा मिला वहाँ पे, और ये था आई थिंक 27 रुपीज़ का। तो एक मैंने ये लिया, उसके बाद मैंने लिया ये नेल रिमूवर, जो मुझे मोस्टली बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, मेरे ज़्यादातर ये मेरे पर्स वगैरह में रहता ही है। तो ये नेल रिमूवर, ये आपका था आई थिंक 50 रुपीज़ का था ये, तो इसमें है 100 वाइप्स, तो ये मुझे अच्छा लगा। ये भी देखिए जूडियो का था। और उसके बाद थे ये विटामिन सी के ग्लो मास्क, और ये राइस वाला था, ये आपका ऑरेंज वाला था, जो भी मुझे अच्छे लगे, दोनों ही मुझे अच्छे लगे ये। तो ये भी आपका 50 रुपीज़ का एक था, मतलब 100 रुपीज़ के दो थे। फिर था ये फीमेल और मेल डियो, मैं लाई थी वुमेन वाला, ये बहुत अच्छा है, फ्रेगनेंस की बात करूँ तो बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, ये आपका 100 रुपीज़ का था, तो ये भी अच्छा था। इसी तरह से बहुत सारा सामान लेके आई दीदी, क्योंकि उनको सैलून है तो आपको पता है, लेकिन मैं तो थोड़ा सा ही लेके आई क्योंकि जनरली मुझे चाहिए नहीं था। बाकी वहाँ पे लिपस्टिक्स थी, तो हम लोग कुछ शेड्स लिपस्टिक्स के लाए जो अच्छे थे, लॉन्ग लास्टिंग का तो भी मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया, बट हाँ शेड्स अच्छे थे, टेक्सचर अच्छा था, तो हमने लगाया, यूज़ किया, अच्छा लगा हमें। तो ये सब चीज़ें थी वहाँ पे। तो
जो कल हमारा पूरा दिन था वो था घर पे। अभी आज का क्या प्लान है वो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज यहाँ मैं बना रही थी ग्रीन टी जो मैं मॉर्निंग में लेती हूँ दीदी के लिए और दीदी की बेटी के लिए। इसमें मैंने डाला है सौंफ, धनिया, दालचीनी, जीरा, सब कुछ डाल के मैंने भून लिया। फिर इसका एक मिक्सचर बना दूँगी और ये मैं मॉर्निंग में मैं भी लेती हूँ और ये बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए, और ऑब्वियसली आपको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है वेट रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद मैं सीधा नहाई और नहा के पहुँची मैं कान्हा जी के पास और यहाँ मैंने ला रही थी कान्हा जी। तो दीदी के जो कान्हा जी हैं ना गाइज वो बहुत छोटू से हैं, मतलब बहुत ही छोटे से हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको और कान्हा जी की सेवा करना तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने फटाफट से की कान्हा जी की सेवा। फिर यहाँ बन गया था गुरुजी का भोग, हरी प्याज की सब्जी और पराठा चाय। तो यहाँ गुरुजी को लगाया भोग और कान्हा जी प्याज नहीं खाते, तो यहाँ मेरा बेटा लगा रहा था कान्हा जी को भोग ड्राई फ्रूट्स का। तो गाइस इसी तरह से हम लोगों का मॉर्निंग हुई। उसके बाद हम लोग जा रहे थे सलून जहाँ था वो सरप्राइज़ जो मैं आपको देने वाली थी। तो गाइस यहाँ देखो दीदी और मैं रेडी हो चुके हैं। दीदी की जो बेटी थी वो जा चुकी थी स्कूल और गाइस ये देखो आप ना, ये छोटा सा था एक दीदी का गार्डन जहाँ पे लगी हुई थी ढेर सारी वेजिटेबल्स और फ्लावर्स, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऊपर से ना यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है कि वेदर बहुत बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से ना यहाँ प्लांट्स वगैरह बहुत अच्छे हेल्दी रहते हैं। गाइस यहाँ बजे थे शाम के 5 और हो रही थी जोरों की बारिश और यहाँ आ गए थे देहरादून के फेमस मोमोज और मैं बैठ बैठ के थक गई थी क्योंकि ऑलरेडी 5-6 घंटे हो चुके थे। ये फाइनल स्टेप था जिसको बोलते हैं प्रेसिंग। तो चलिए देखते हैं मेरा लुक। तो गाइस इट्स हाफ डन हाफ पेंडिंग, वेट फॉर फाइनल लुक। फाइनल लुक के लिए आपको 2 दिन का वेट करना होगा। तो गाइज इसमें लगे मुझे पूरे 6 आवर्स, 6 घंटे का ये प्रोसेस था बुटॉक्स विद स्मूथनिंग। बुटॉक्स मेरे जितने भी डैमेज हेयर्स थे आप देख सकते हो रिपेयर हो चुके हैं। अभी 2 डेज बाद होगा हेयर वॉश। हेलो गाइज, तो अभी बज रहे हैं शाम के 8 और मैं गई थी 2 बजे आज सलून और वहाँ मैंने पहले लिया स्मूथनिंग ट्रीटमेंट बॉन्ड्समैन सलून से। उसके बाद मैंने कराया बुटॉक्स जो कराया पहली बार और गाइस आप देख सकते हो मेरे जो डैमेज हेयर थे ना बिल्कुल ख़त्म हो गए बिना कटिंग के। अभी मेरे जो हेयर्स हैं ना इनमें प्रोटीन लगा हुआ है, ये 2 दिन बाद वॉश होगा तब मैं आपको एक्चुअल रिजल्ट बताऊंगी। पर आप बुटॉक्स का देखो ना रिजल्ट बिल्कुल, मतलब मेरे जितने भी दोनों में बाल थे वो हो गए हैं सारे ख़त्म। तो ये हाईली रिकमेंडेड है आप बुटॉक्स कराओ अपने बालों को प्रोटीन देने के लिए। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में अपना फाइनल लुक
जो आएगा आफ्टर टू। यहाँ बज रहे थे शाम के 8 और दीदी थी अपने सैलून में तो वो आने वाली थी। उनको ना मेरे हाथ के पतौड़ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं यहाँ बना रही थी ये पतौड़ दीदी के लिए अरबी के पत्तों और बेसन से। ये ना बहुत टेस्टी लगते हैं गाइस चाय से। तो आइए चलिए देखते हैं। इसी के साथ करती हूँ व्लॉग का एंड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। बाय बाय।